तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की अब स्टडी का फिर स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। अब यहाँ पर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट क्यों है, अभी आपको सारी चीजों को डिस्कस करने वाले हैं और आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बताएंगे। कक्षा 12 इंग्लिश की बात करेंगे, 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, 100% यही आपका आएगा जो इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताएंगे इंग्लिश में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, ठीक है। और आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे, तुरंत चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, या चैनल को शेयर करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना है, और इसकी PDF आपको बराबर दी जा रही है। आप सभी लोग ग्रुप से जुड़ जाइए, SKM स्टडी, कहां SKM स्टडी जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पे आप जुड़ जाइए, सारी PDFs आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी PDFs अपलोड हो रही हैं, सारी PDFs आपको वहां पे मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ पर हम पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। तो आप सभी लोग क्या करिएगा, जो आपका टेलीग्राम चैनल है SKM स्टडी करके, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रशांत हैज सेड, प्रशांत ने कहा कि आई शैल अवॉइड माई द रूल्स ऑफ द कॉलेज, यानी कि आई शैल अवॉइड बाई द रूल्स ऑफ द कॉलेज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखिए अगला, देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो प्रशांत हैज सेड दैट, प्रशांत ने कहा कि ही विल अवॉइड बाई द रूल्स ऑफ कॉलेज, प्रशांत ने कहा कि ही विल अवॉइड बाई द रूल्स ऑफ द कॉलेज, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस कॉलेज के रूल को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे आई का क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन 123 बटे सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, तो फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट अनुसार चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेंज कर देना है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला देखिए क्या है, ही शेड उसने कहा I will do it now or never, यानी कि उसने कहा I will do it now or never, मैं अब यहाँ करूँगा या कभी नहीं करूँगा, ठीक है। तो he said that, उसने कहा कि he would do it then or never, क्या then or never, ठीक है। तो आप किस तरीके से बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, द लीडर सेड, नेता ने कहा कि लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम हैप्पी टू बी विद यू, मैं आपके साथ खुश हूं, क्या हूं, खुश हूं। चलिए इसको देख कैसे बनाएंगे। तो एड्रेसिंग द ऑडियंस, ऑडियंस को एड्रेसिंग किया, यानी कि आप ऑडियंस को बताया कि एज लेडीज एंड जेंटलमैन, यानी कि जैसा कि लेडीज एंड जेंटलमैन, द लीडर सेड, द लीडर ने कहा कि दैट कि ही वॉज हैप्पी टू बी विद देम, हम उनके साथ क्या हैं, खुश हैं, क्या हैं, खुश हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो आई आस्क्ड, मैंने कहा हर वेयर सी लिव्ड, वह कहाँ रहती है, ठीक है, वह कहाँ रहती है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से बना लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, सेंथेसिस, ठीक है। सो सेंथेसिस बनाएंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए सेंथेसिस को थोड़ा देखते हैं और आपको अच्छी तरीके से हम समझाने का प्रयास करते हैं, चलिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ही वॉज टू टायर्ड टू स्टैंड, वह इतना थका है फिर भी क्या है, खड़ा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी कि ही टायर्ड टू स्टैंड, वह बहुत ज्यादा क्या है, थका हुआ है खड़ा होने के लिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा थका हुआ है खड़ा होने के लिए, देखिए कैसे बन जाएगा। तो कैसे बनाएंगे इसका अच्छी तरीके से आप सभी लोग देख लीजिए। तो देखिए क्या करा है कि इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। देखिए ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना थका हुआ है, दैट कि ही कुड नॉट स्टैंड, वह खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, वह खड़ा नहीं हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द सेलर्स कॉस्ट द एंकर, द सेलर्स कॉस्ट द एंकर्स, एंकर दे डिड सो प्रिवेंट द स्टीप, द शिप फ्रॉम ड्रिफ्टिंग, क्या ड्रिफ्टिंग, ठीक है। तो द सेलर्स कॉस्ट द एंकर, दे डिड शो प्रिवेंट द शिप फ्रॉम ड्रिफ्टिंग, ठीक है। आपका जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का बनाना है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाएंगे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो द शोल्डर कॉस्ट द एंकर, द शोल्डर ने कॉस्ट द एंकर, कास्ट बताया, सो इसलिए दैट की
कि दे माइट प्रिवेंट द शिप फ्रॉम ड्रिफ्टिंग, क्या कर रहा है कि दे माइट प्रिवेंट द शिप फ्रॉम ड्रिफ्टिंग, क्या शिप फ्रॉम ड्रिफ्टिंग आपका ये हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए अगला देखेंगे, अगला क्या है, गुड थिम्स, क्या कर रहा है, गुड थिम्स ओवर इविल इन द एंड दिस सर्टेन, ठीक है। तो इसका क्या बनाना है, इसका भी कॉम्प्लेक्स बनाना है आपको, तो दिस इज सर्टेन दैट, वह निश्चित है कि गुड थिम्स, जो गुड थिम्स है ओवर इविल द एंड, यानी आपके जो आपकी गुड अच्छाइयां हैं वो आपकी मरने तक जाती हैं साथ में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे हम सेंटेक्स की बात करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। सेंटेक्स क्या होता है, तो ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, क्या है, वह बहुत ही परफेक्ट जेंटलमैन है, ठीक है। ही इज द मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, क्या हो जाएगा, देखिए जो आपका सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले क्या लगाया था, दस द लगाया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, यानी कि ही इज द मोस्ट परफेक्ट, यहाँ पे द लग जाएगा, परफेक्ट जेंटलमैन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, सी कम लेटर, वहां बाद में आई, देन आई एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, आशा किया था, ठीक है। तो सी कम लेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड, क्या, सी कम लेटर देन आई हैड एक्सपेक्टेड, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए आगे आपको बताते हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन दैट, या वह कहा बहुत अच्छा आदमी है, दैट की हैज इविल इवर लिव्ड, क्या, इवर लिव्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन, क्या है, वह बहुत ही अच्छा आदमी है, दैट की दैट या हु, दोनों में से कोई एक लगा सकते हैं आप, हैव इवर लिव, देखिए यहां पर क्या चेंज हुआ आपको हम बताएंगे, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैन, क्या, बेस्ट मैन दैट, दैट अब यहाँ पे हु भी आप लगा सकते हैं, और यहां पर देखिए हैज नहीं होगा, हैव होगा, हैव इवर लिव्ड, ठीक है। चलिए अगला देखिए, देयर आर फाइन फर्नीचर इन द हाउस, देयर आर फाइन फर्नीचर इन द हाउस, देखिए इसका क्या बनाएंगे, तो देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस, क्या, देयर इज फाइन फर्नीचर इन द हाउस, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, सी हैव संग अ सॉन्ग, क्या, सी हैव संग अ सॉन्ग, इसका क्या हो जाएगा, देखिए क्या बनाएंगे, सी हैज संग अ सॉन्ग, हैव नहीं होगा, हैज होगा, ठीक है। तो सी हैज संग अ सॉन्ग, ये आपका हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट। चलिए आगे आपको बताते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करेंगे। चलिए इडियम्स एंड फ्रेजेस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एट इवरी स्टेम, क्या, एट इवरी स्टेम, इसका मतलब क्या है कि ऑलवेज, ऑलवेज मतलब क्या होता है, ऑलवेज मतलब हमेशा, तो एट इवरी स्टेम का मतलब होता है कि हमेशा, यानी कि ऑलवेज, यानी कि हर कदम पर, क्या हो जाएगा, हर कदम पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका हम क्या निकालेंगे, इसका क्या बनाएंगे, वाक्य प्रयोग करेंगे, इस वाक्य का प्रयोग करके एक सेंटेंस में बनाना है। तो आई फेस ट्रबल्स एट एवरी स्टेप इन द माई लाइफ, इन माई लाइफ, मैंने प्रत्येक हर कदम पर अपनी लाइफ में क्या किया, संघर्ष किया, ट्रबल्स किया, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, इन स्पाइट ऑफ, क्या हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ, यानी कि डिस्पाइट, यानी कि बावजूद, के बावजूद एक तरीके से इसका होगा, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, बीमार होने के बावजूद, ही टुक पार्ट इन द गेम, मैंने गेम का हिस्सा लिया, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए, केथ एंड किन, तो फ्रेंड्स एंड रिलेशंस, क्या हो जाएगा यहाँ पे, अति निकट मित्र और रिश्तेदार, क्या हो जाएगा, अति निकट मित्र और रिश्तेदार हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज मैरिज वॉज अटेंडेड बाई हिज कीथ एंड किन, क्या हो जाएगा, कीथ एंड किन, आपका ये हो जाएगा। लॉन्ग फॉर, लॉन्ग फॉर के लिए क्या हो जाएगा, टू डिजायर्ड अबाउट समथिंग, किसी वस्तु की इच्छा रखना, क्या करना, किसी वस्तु की इच्छा रखना, तो स्टूडेंट्स ऑलवेज लॉन्ग फॉर गुड रिजल्ट इन देयर बोर्ड एग्जाम, जो स्टूडेंट्स हैं ऑलवेज लॉन्ग फॉर गुड रिजल्ट इन देयर बोर्ड एग्जाम, तो आपका ये बन जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, कुछ हम फ्रेजल वर्ब्स की बात कर लेते हैं, फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, तो पहला देखिए मेक आउट, क्या है, मेक आउट, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड यानी कि समझना, क्या, टू अंडरस्टैंड मीन्स क्या होता है, समझना होता है। तो नन कुड मेक आउट व्हाट द स्पीकर वांटेड टू से, यानी कि नन कुड आउट मेक आउट व्हाट द स्पीकर वांटेड टू से, तो मेक आउट हमें बनाना है, ठीक है। तो ये आपका अच्छी तरीके से समझ में, ओवर, ओवर का देखिए बनाना है हमें, ओवर का बनाना है, फ्रेजल वर्ब है, तो ओवर एंड अबव यानी कि इन एडिशन टू, से बढ़कर,
क्या से बढ़कर, तो ओवर एंड ए वन अ टीचर इन अ डॉक्टर इज अ डॉक्टर, यहाँ पर यानी कि एक से बढ़कर एक टीचर और डॉक्टर है, ठीक है। होल एंड कॉर्नर की बात करेंगे, सेक्रेट मीन्स क्या होता है, रहस्य, क्या होता है, रहस्य होता है। तो नो बडी नो अबाउट द होल एंड कॉर्नर ऑफ दिस केव, क्या नो बडी नो, कोई नहीं जानता अबाउट द होल एंड कॉर्नर ऑफ द केव, इस केव के रहस्य के बारे में कोई नहीं जानता है। तो ये इस तरीके से आगे जो पूरे इंपॉर्टेंट सेंटेंस थे मेरे प्यारे फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।